वेलकम बैक एवरी वन लास्ट वीडियो में हमने ओ एस आई रेफरेंस मॉडल को अच्छे से समझा था ठीक आज अब नेक्स्ट कंटिन्यूस वीडियोज़ में हम क्या करेंगे कि एक एक लेयर की स्टडी डिफरेंट डिफरेंट करते हैं जैसे लेयर वन हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर फिजिकल लेयर ठीक है सबसे पहला लेयर यानी ये जो सेवन लेयर्स आपने स्टडी करा था इसमें ये सबसे पहला लेयर क्या था यहाँ पर फिजिकल लेयर ठीक तो हम उसकी स्टडी करने वाले हैं इसके बारे में अगर एग्जाम में आए जैसे एग्ज़ाम में आता है ओ एस आई रेफरेंस मॉडल एक्सप्लेन करें ईच लेयर को इन विद ब्लॉक डाइग्राम और टोपोलॉजिकल डाइग्राम तो उसको कैसे समझाएंगे आप? आपको समझाना होगा पहले तो ओ मॉडल समझा देना उसमें सेवन लेयर्स अच्छे से लिख देना उसके बाद ईच लेयर को आपको एक्सप्लेन करना होगा विद एग्जांपल एंड राइटिंग इट्स फंक्शनैलिटीज़ ठीक है एग्जाम में ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे डिफरेंस मांग लेगा दो लेयर के बीच में इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा सबसे पहला क्या है फिजिकल लेयर तो समझा था सब तक फिजिकल लेयर क्या कर रहा था ये फिजिकल ट्रांसमिशन पर हेल्प कर रहा था फिजिकल ट्रांसमिशन यहाँ पर कोई ट्रांसमिशन मीडिया होगा चाहे वो गाइडेड मीडिया हो या अनगाइडेड हो चाहे वो वायरलेस मीडिया होगा या फिर वायर आ, वायर्ड मीडिया होगा लेकिन होगा क्या एक्चुअल में यहाँ पर कोई एक मीडिया सेलेक्ट होगा उस मीडिया के थ्रू ही ये कम्युनिकेशन होगा फ्रॉम सेंडर साइड टू तो दैट रिसीवर साइड रिसीवर रिसीव करेगा डेटा एंड सेंडर सेंड करेगा डेटा तो जो एक्चुअल बिट्स का ट्रांसमिशन है वो फिजिकल लेयर के थ्रू होता है अब इसको रीड कर लो लिखा हुआ है द लोएस्ट लेयर ऑफ हॉर्स रेफरेंस मॉडल इन इज द फिजिकल लेयर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसिस द फिजिकल लेयर कंटेंट इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स याद होना चाहिए कि फिजिकल लेयर में जो इंफॉर्मेशन होता है वो बिट्स के फॉर्म में होता है यानी जीरो वन वन जीरो इस फॉर्म में आपको एक्चुअल में डेटा मिलेगा वो फिजिकल लेयर पे क्योंकि यही बाइंड्री डेटा ट्रांसमिशन होगा क्या फंक्शन होता है फिजिकल लेयर का आपने तब समझा था बिट्स इंक्रोइजेशन का काम है क्योंकि बिट्स में आया तो किस इंक्रोनिशन में सेंड होना चाहिए स्टार्टिंग के कितने बिट्स कब सेंड होंगे वो इसका काम होता है द फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द बिट्स बाई प्रोवाइडिंग अ क्लॉक द क्लॉक कंट्रोल बोथ सेंडर एंड रिसीवर थर्स प्रोवाइडिंगक्रोइेशन यानी हुआ क्या Sender, रिसीवर दोनों के पास एक क्लॉक होगा उसी क्लॉक कंट्रोल की मदद से बिट सिंक्रोनाइज़ होते हैं अगला है बिट रेट को कंट्रोल भी करता है ये What does इट मीन इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में कितने बिट्स सेंडर सेंड कर सकता है ये भी कंट्रोल फिजिकल लेयर ही करता है क्योंकि विद अगर सामने वाला रिसीवर कम रिसीव कर रहे तो ये ज़्यादा बिट्स को भेज कर भी कोई फायदा नहीं है लॉस हो जाएगा डेटा नेक्स्ट है फिजिकल टोपोलॉजीज यहाँ मतलब है कि एक्चुअल में दो डिवाइसेस या दो से ज़्यादा सिस्टम जितने भी हैं वो किस नेचर में एक दूसरे से वायर्ड मीडिया से जुड़े हुए हैं तो फिजिकल लेयर हमें ये बता रहे हैं जैसे बस बस सिस्टम हो सकता है स्टार सिस्टम हो सकता है इसको लोग टोपोलॉजी कहते हैं स्टार टोपोलॉजी मेस टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी या फिर आ, मैप टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी किसी भी टोपोलॉजी से वो जुड़े रह सकते हैं तो वो भी हमारा फिजिकल लेयर का ही काम है फंक्शन फिजिकल लेयर का है लास्ट है ट्रांसमिशन मोड इसका मतलब होता है फिजिकल लेयर ऑल्सो डिफाइंस द वे इन विच डेटा फ्लोज बिटवीन टू कनेक्टेड डिवाइसेस द वेरियस ट्रांसमिशन मोड्स पॉसिबल आर सिम्प्लेक्स हाफ डोप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स यानी या तो वॉकी टॉकी पे बात पहले तो वन साइड सिर्फ कन्वर्सेशन हो सकता था या फिर बोथ कनेक्टेड बट ओनली वन एट अ टाइम और फुल डोपलेक्स के अंदर दोनों सेवल बात कर सकते हैं जैसे हम फोन पे अगर कर बात करें तो अभी जो मैं का, काम कर रहा हूँ वो सिम्प्लेक्स में होगा यानी वन वे कन्वर्सेशन है मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ वो आपस सुन सकते हो वन एंड टाइम पर एक ही बंदा जुड़ा हुआ है हाफ डोप्लेक्स के अंदर वॉकी टॉकी की बात होती थी हेलो हेलो बोल के हम शांत होते थे फिर सामने वाला कुछ बोलता था और फुल डुप्लेक्स के अंदर दोनों एक साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं जैसे हम फोन कॉल्स पे करते हैं क्या एग्जांपल है फिज़िकल लेयर का हब रिपीटर मॉडर्म केबल्स ये सारे के सारे जो डिवाइसेज़ हैं ये फिजिकल लेयर के डिवाइसेज़ हैं आई होप फिज़िकल लेयर समझ में आ गया होगा फ़िज़िकल लेयर का जो टोपोलॉजी डाइग्राम आप बनाओगे वो कुछ ऐसा होगा आप यहाँ पर दिखाओगे फिजिकल लेयर फिज़िकल लेयर और यहाँ पर एक दूसरा तो ये हमारा सेंडर साइड होगा ये हमारा रिसीवर साइड होगा आप यहाँ से डेटा भेजोगे यहां पर किसी ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू और एक बात यहां पर जो ट्रांसमिशन होगा डेटा का वो बिट्स के फॉर्म में होगा तो जीरो वन जीरो लिख देना यहां पर कुछ भी वन जीरो वन जीरो ऐसा कि यहां से डेटा यहां को पहुंचा जैसे ही देखेगा कि बिट्स डिफरेंट है तो बिट चेकिंग होगी तो अगले स्टेप में डेटा लिंक क्लियर मना कर देगा कि भाई ये गलत डेटा है करप्टेड डेटा है तो ये टोपोलॉजी आप बना सकते हो वहां पर दिखाने के लिए ठीक है समझ में आता है इस डेटाग्राम से कि भाई इस टाइम पे ये लेयर क्या काम कर रहा होगा आई गेस समझ में आया होगा थोड़ा और बेहतर के लिए आप इसको ये बता सकते हो कि डेटा लिंक लेयर इसके ऊपर होते हैं जो ऊपर से डेटा यहाँ नीचे देगा और ये यहाँ से डेटा लिंक लेयर को डेटा रिसीव होगा ठीक है फिजिकल लेयर समझ में आए है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेयर को समझते हैं ठीक है तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए थैंक यू सो मच